हम आज देखेंगे कि एक टीम लीडर और उसके जो लीडर के टीम के जो मेंबर हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए और आप कैसे कहीं भी सोसाइटी में अपने प्रोफेशन में आप लीड कर सकते हैं। एक लीडर की सच्ची क्वालिटी क्या होना चाहिए इसके बारे में आज मार्गदर्शन हम करेंगे। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि कुटिल लोग जो होते हैं समाज में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो भी कुछ करते हैं उसको गिनाते बहुत हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। जो जिंदगी का समीकरण है, जिनकी जिंदगी की समीकरण पर चलती है, वे किसी को कुछ देते हैं तो उसका बहुत हिसाब रखते हैं। यह शहरी जिंदगी खास करके सुई के कांटों पर चलती है। वह दिन रात सर्दी गर्मी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यह लीडर की क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि ये कब कहाँ गिर पड़ेंगे और टीम मेंबर कब इनका साथ छोड़। आप दूसरे तरफ दरिया दिल लोगों को देखें। दरिया दिल लोग हिसाब कभी नहीं रखते हैं। किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह ठीक जैसे पानी का भाप बढ़कर उड़ जाता है, ठीक उसी तरह से वह करते हैं और उसको पानी के भाप की तरह उड़ा देते हैं। हमारे गांव में कहावत भी है कि गांव के छांव में जब पांव पड़ते हैं तो जीवन खुशमय बन जाती है। नेकी कर दरिया में डाल। आपके अंदर जब नेकी करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आपके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं आनी चाहिए। कहा जाता है गुप्त दान महादान, अर्थात जब आप कुछ देते हैं तो आप खुद भी भूल जाइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर लोग देते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुछ लालच के लिए, अपने अहंकार को पूर्ति के लिए, और उससे ज्यादा नहीं तो 100 लोगों को बताते हैं कि आज हमने इसमें दिया। इसलिए आप दरिया दिल बने क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। स्वयं को भी हेल्प करना है और दूसरे को भी हेल्प जब आप करते हैं तो प्रभु ईश्वर सच्चा मार्गदर्शन आपको। आप देखें कि जिस हद तक अपने जीवन में आप खुद में नियंत्रण रखते हैं उतना ही सही नेतृत्व कर पाते हैं। बात आती है रावण की। रावण उन लोगों में से था जो अपने किए हुए को बहुत गिनाता था। मैं यह लीडरशिप, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा लीडर था, आज मैं उसका ही एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। जब युद्ध हुआ और उसकी जान पर आ गई, जब लोगों लगने लगा कि अब रावण मारा जाएगा, तो राक्षस भागने लगे। उनको लगा रावण ने जो दिया अपनी जगह है, लेकिन हम उसके चक्कर में अपनी जान क्यों दें? यह समझ में नहीं आता जान देने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब तो जान ही बची है वही जाना है। तो देने वाला स्वार्थी था और लेने वाला भी विलासी था, भोगी था। कुल मिलाकर दृश्य ऐसा पैदा हुआ कि राक्षस भागे तो रावण चिल्लाया, और रावण चिल्लाया इतना किया है तुम लोग आज मेरा साथ नहीं दोगे। लीडर तो ऐसा होना चाहिए कि उसके लोग उसके बोले बिना सब कुछ समझ जाएं, लेकिन रावण के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब करा कृपाला। अर्थात रावण कहता है हे राक्षसों, हमने तुमको बहुत कुछ किया है, बहुत सारे सुख दिए हैं हमने, और आज जब हमें युद्ध में तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम पीठ दिखाकर भाग रहे हो। मैं जिसके बारे में सुनूंगा कि वह भाग गया है उसे मैं स्वयं दोधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति का सुख भोग किया और अब प्राण प्यारे हो गए। रावण की इस धमकी से सीखना चाहिए कि हमारा संबंध कभी ऐसे लोगों से नहीं रखना चाहिए जो हमें अपने स्वार्थ और हित के लिए कुछ सौजन्य दें और बदले में वह मांगे जिसे देने में हम संकोच हो। अर्थात लेन देन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जहां सिर्फ लालच से ही लोग जुड़े हों, मजबूरी में ही साथ दे रहे हों, वहां समस्या से सब बचना चाहते हों, पर ध्यान रखिएगा एक ईमानदार सहयोग के खातिर ईमानदार नेतृत्व भी चाहिए होता है। नेतृत्व यदि 1% भी बेईमान है, यदि लीडर 1% भी बेईमानी कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको साथ देने वाले 99% बेईमानी कर रहे हों।
क्योंकि नेतृत्व ईमानदार होगा तो नेतृत्व के नीचे सभी लोग ईमानदार बिल्कुल बन जाए। चीज है कि लेन देन में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा जब लीड करते हैं तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अवसर को पहचानिए, जो अवसर पे, जो जरूरत पे आपका साथ नहीं दे, उस तरह के लीडरशिप की क्या जरूरत है और टीम लीडर बनने की क्या जरूरत है जब आपके नीचे आपके लोग आपके स्वार्थ पूर्ति के लिए जुड़े हों। लेन देन में सावधानी के साथ दिल भी बड़ा रखिए। जब आप किसी को देते हैं तो बी वेरी इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, ड्रिवेन, करेजियस कि हाँ हमने दे दिया, हमें नहीं चाहिए तुमसे, तो लोग स्वयं आपको देंगे। मांगने से भीख मांगता है और बिना मांगे मोती मिलता है। इसलिए मांगने की आदत मत डालिए, आप कुछ करिए। अब जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो लोग आपको खुद सहयोग देंगे। इस तरह से आप अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप के अंदर लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि लीडर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन बुराइयों से खुद भी बचिए तो ही सही लीड आप दे पाएंगे अपने टीम को। हर व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, हर व्यक्ति शायद वह इसलिए नहीं बढ़ पाता है कि उसके अंदर बहुत सारे अहंकार, ईगो और वह सब कुछ आ जाता है। इस दुनिया में लीडरशिप का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वह है राम और हनुमान का। हनुमान जी को लंका में क्या करना है भगवान राम कभी नहीं समझाते हैं, वह तो अपना काम बता देते हैं कि सीता को पता करके लाना है, और ये जा करके वह सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए जिससे कि उनको उनके टीम लीडर को फायदा हो सके। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य ही लीडरशिप को आगे बढ़ाते हैं। उनको वह मालूम है कि हमें राम के लिए क्या करना है। आपको जब भी समय मिले तो एक पंडित विजय शंकर मेहता का बुक है लाइफ मैनेजमेंट की, जिन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर लिखा है, द बेस्ट गुरु इज हनुमान जी। बेस्ट लाइफ मैनेजमेंट के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनसे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट का कोई उदाहरण जीवन में कोई नहीं प्रस्तुत कर सकता है। एक बेहतर लीडर का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं है हनुमान जी के अलावा। अर्थात आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, हनुमान चालीसा को सीखें और हनुमान जी के जीवन से आप सीखें कि वह कैसे लंका में प्रवेश करते हैं, मच्छर का रूप कब धरते हैं, कब खुद का सिर नवाते हैं और कब दूसरे का सिर तोड़ डालते हैं। ये चीजें अपने को सीखना चाहिए। उन्होंने किस रिसोर्सेस का उपयोग किया, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, सिर्फ बुद्धि थी। इसलिए आप वहां सीखिए और लेन देन में सावधानी बरतिए। जहां पे आपको लालच हो वहां पे मत दीजिए। देते ही यदि आपके मन में लेने की भावना जागृत हो गई तो फिर देने का महत्व खत्म। आप हमेशा ईश्वर को अपने नजदीक रखिए, अपने सेंटर में रखिए। भगवान के भक्त हैं तो देते समय मानना है कि जरूरत पड़ी तो ही वे लौट आएंगे। यदि ले रहे हैं तो एक बार भगवान पर भरोसा करके विचार कीजिए कि क्या उसकी सहमति है, क्या हम गलत तो नहीं है। सच्चे भक्त को, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर भी जरूरत पड़ने पर उसको साथ देता है। जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए, लीडरशिप के लिए आपका स्वयं में ईमानदारी बरतना और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना आपको जीवन में आगे ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि आपके साथ वालों का मनोबल भी उतना ही बढ़ाता है। इस तरह के ही बहुत सारे की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए इस चैनल को आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल दी